नहीं, बोर्ड के समय आते हैं, हम गए थे कई बार, उन्होंने आश्वासन तो दिया है कब बनवा देंगे अभी तक तो नहीं। लोग आते हैं तो ऐसे कोई आता नहीं है। अच्छा। आज क्योंकि कोई भी विकास का काम है तो कोई आता नहीं। योगी जी के टाइम तो सारी सुविधा है, बाकी ये लोग आते नहीं है। केएनसी अभी यहाँ पर गंदगी बहुत रहती है, हमारे सफाई करने का कोई आता यहाँ? आप लोग ने मतलब जैसे अपने पार्षद को वोट दिया, क्या सोच के आपने दिया? नमस्कार, मैं संध्या रजत एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। आज मैं राजधानी लखनऊ के फड़का वार्ड में 2 में स्थित हूँ। यहाँ पर मैं अपने पार्षद, जो भी यहाँ के पार्षद हैं, केएन सिंह बता रहे हैं लोग, जनता यहाँ की, तो मैं देखना चाहती हूँ वो नाली गंदगी खरंजा वगैरह कैसे क्या है, मैं उसके बारे में जनता से कुछ बात करना चाहती हूँ। अंकल जी। हाँ। क्या नाम है अंकल आपका? रंजीत सिंह। अंकल यहाँ के पार्षद कौन है? पार्षद का नाम तो मेरा थोड़ा ध्यान नहीं है। केन सिंह है। तो अंकल क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, मतलब आप वो आते हैं कि खाली बोर्ड के समय आए थे? नहीं, बोर्ड के समय आते हैं, हम गए थे कई बार, उन्होंने आश्वासन तो दिया है कब बनवा देंगे अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। अभी तक कुछ कुछ नहीं हुआ है। ये खंभा भी हमने अपने पैसे से मतलब अपना ही कर करा के कराया है। खंभा भी आपने लगवाया है? खंभा दिखाइए। लाइटें भी हमने अपना जो वो मतलब चंदा उंदा गिर के अपना करके मतलब लगवाई है नहीं। बाकी नाली वाली का रोड का आप देख ही रहिए जगह, और वो सामने देखेगा वो गैया वैया देखेगा, यहाँ 24 घंटे इनका भी कोई समाधान होना चाहिए गैयों का। ये जो है बहुत चारों तरफ ये गैया घूमती है। हाँ, तो ये कम से कम इनका कोई स्थान होना चाहिए, एक जगह रहे। ये अभी खिलाया पिलाया, दूध निकाला, छोड़ दिया। तो अंकल ये मैं कह रही हूँ कि क्या पार्षद जो है जब से वोट हुआ है उसके बाद से कितनी बार यहाँ आए हैं, आते हैं कि नहीं? हमारे सामने तो नहीं आए, एक बार भी नहीं आए, खाली वोट के समय आए थे। अच्छा, चलिए ठीक है, बोलो भैया। जब वोट के टाइम में लोग आते हैं तो ऐसे कोई आता नहीं है। अच्छा। क्योंकि कोई भी विकास का काम है तो कोई आता नहीं। योगी जी के टाइम तो सारी सुविधा है, बाकी ये लोग आते नहीं है। केएनसी अभी तक नहीं आए, एक बार भी इधर नहीं आए। ठीक है, तो आप लोग को मतलब नाली वाली पानी का नहीं कर, नाली वाली भी नहीं बनी हुई? नाली भी नहीं बनी हो, रोड का भी दिक्कत है, नाली का भी दिक्कत है, और गाय वही घूमती रहती है ऐसी आवारा की तरह, कोई उसका देखभाल नहीं है, देखभाल नहीं, गंदगी ज्यादा फैलाती है। मैम आप क्या कहना चाहोगे? मैं चाहूँगा सर, मैडम पंचायत यहाँ पर गंदगी बहुत रहती है, गंदगी बहुत, हमारे सफाई करने का कोई आता यहाँ? मैम आप लोग ने मतलब जैसे अपने पार्षद को वोट दिया, क्या सोच के आपने दिया, मतलब कैसे किया, क्या दिमाग में क्या था जो आपने दिया था? जो हमारा काम होगा, जो आते हैं वो दोबारा वोट के नहीं आते हैं, आश्वासन देते हैं वोट के समय कि हम जीत जाएं, उसके बाद नहीं नहीं आप तक भर जाता है। देखिए पानी भर जाता है, कितनी गंदगी हो रही है, छोटे बच्चे हैं सीमारे। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमरेंद्र कुमार ओझा। सर क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहे यहाँ तो कुछ भी नहीं है मैडम, बहुत परेशान है हम लोग। ये यहाँ पानी लग जाता है तो हम लोग मलबा वलबा डला के किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। क्या आपने मतलब ये जो भी बना हुआ है सब अपने आप? सब हम लोग मलबा डाले हैं ना, अपने अपना मलबा डाल करके। ये देखिए ये पोल भी हम लोग पोल चंदा दे कर पोल करवाए, चंदा देकर यहाँ कोई देखभाल करने वाला कोई सुनने वाला नहीं। फीवर वगैरह तो कहीं यहाँ नहीं खुला हुआ है? कोई व्यवस्था फीवर पानी वानी निकलने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं मैडम? ये पोल भी जो लगा हुआ हम लोग का पैसा देखना है, एक जो रोड का है, दूसरा एक गाय इतना तंग कर दी है कि हम लोग को रहना मुश्किल हो गया। यहाँ रेली उठते ही गोबर है से हम लोग का, पानी भरता है, कोई व्यवस्था नहीं। तो वो आए यहाँ पर कैसे आए, मतलब कब आए थे? वही वोट के समय आए हुए थे? वोट के समय आए कि हम एक कर देंगे वो कर देंगे, अभी तक कोई कुछ मतलब केवल आश्वासन देके चले गए, आश्वासन देके रोड का खंभा किनारे करा देंगे, ये जी जी रास्ता क्लियर हो जाएगा, और किया उनने कुछ नहीं? तो जब से अंधेरा है तो हम लोग किसी तरह से लाइट वोट, जब से उनकी जीत हासिल हुई है तब से मतलब अब वो आए एक बार कि नहीं आए? उसके बाद जितने अंडे को भी उनके यहाँ आप नाली दिखा दीजिए कैमरा में, पानी निकलने की जगह नहीं है बिल्कुल, ये सब हम लोग ढके हैं, ये देखिए जब अपने अपने हाथ से पत्थर लगा कर ढके हैं। अभी संडे को भी हम लोग गए हुए थे जी जी, और ये देखिए ये गंदगी का आलम, ये पूरी गायों का यहाँ वो लगा रहता है, ये सब गाय आते हैं यहाँ जीना मुश्किल रहता है, ये सब दूध निकाल के छोड़ देते हैं।
आप ये बताइए कि नगर निगम की गाड़ी नहीं आती है यहाँ? निगम की गाड़ी आती है, सफाई कचरा तो ले जाते हैं निगम, गाय की वजह से ज्यादा गौशाला यहाँ कहीं नहीं बनी इकट्ठा हो जाए जी। आप खींच लो उसको, देख लो, वीडियो बना लो, निकाल लेते हैं सब, रोड पर हाँक देते हैं। यहाँ खड़का वार्ड 2 में थी, जहाँ पर मैंने जो है जनता से बात करी, उन्हें पार्षद से बहुत प्रॉब्लम है। बाकी काम का कहना ये है कि बोर्ड के समय तो पार्षद आ गए, उन्होंने हाथ पैर जोड़ के मुझे किसी तरीके से मतलब अपना जीत गए वो, उसके बाद से उनका जो है यहाँ पर एक बार भी आना नहीं हुआ है। नाली है, गंदगी है, गाय का ना गौशाला है, गंदगी लोगों ने दिखाई भी हमें, यहाँ पर बहुत दिक्कत है। तो इसी के साथ मैं रजत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल से